अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टाइम हो चुका है और इधर मेरी फैमिली जो है वो लगी हुई है काम को। फजर बेटी जो है वो कर रही थी अपना होमवर्क और अभी आ चुकी है अपने बाबा और भाई की हेल्प करवाने के लिए। हाँ जी काफी होगी तो ये और ही काटते हैं इसे। आपने नहीं हाथ लगाना, ये आपके लिए खतरनाक है। फजर बेटी आप मुकम्मल कर लो काम को, मुकम्मल कर लो। कर लिए ठीक है, रट्टा ना लगाया करो ना। तो यहाँ पे आज फिर तारिक साहब जो है ना वो बांस काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो आजकल हमारा जो है ना यही कटाई का और क्या है कटाई सिलाई और सफाई का काम जो है ना वो लगा रहेगा। मोहम्मद सुबान आप उधर से उठ जाओ। फजर ने तो ठीक किया, उसने पकड़ लिया बांस, क्योंकि बांस जो वो हिल रहा था, इसने उसने अपने बाबा की ना मदद की है। वो कट गया माशाल्लाह, ये जो आ रही है ना काफी तेज है। कल वो मिस्त्री भाई जब काट रहा था ना तो उस टाइम भी ऐसे बड़ी जल्दी जल्दी उसने कटाई की। थोड़ा सा मोटा बांस उठाना था, इस पे पांव रखने और ये पांव से नहीं टूटता। दो फुट रखेंदा मैं पूरी। चलो ठीक हो गया। फिर देखना अभी हाथ भी आपके खराब, इस पे कलर लगा हुआ। ये देखो हाथों पे मेहंदी लग गई है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस ब्लॉग का आगाज करते हैं। तो अभी जी सेकंड टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पर देख रही थी कि ये वाला सूरजमुखी का जो फूल है ना ये बहुत ही खूबसूरत है और इसके इसने ना बड़ा ही हेल्दी सा बीज लिया हुआ है। यानी कि कुछ पौधे जो है ना उनका बीज इतना ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन इसका चेक करें माशाल्लाह काफ़ी मोटा बीज है। अभी ये थोड़ा खुश्क होगा, फिलहाल तो गीला सा है, अच्छे से पक के तैयार होगा तो फिर हम इसको रख लेंगे। वैसे अब इसको रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा हो गया। जो पहले पौधे हमारे लगे हुए थे ना यहाँ पर, ये कुछ खड़े भी हैं तो उनका कुछ बीज इधर ही गिरा है, वो फिर से माशाल्लाह नई तरह से ना फिर से उगना शुरू हो चुके हैं। बाकी जी आज की व्लॉग में हम आपके साथ एक बहुत ही बड़ा सा सरप्राइज़ जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो वो सरप्राइज़ कौन सा है तो फिलहाल सरप्राइज़ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि आज फिर इन्होंने बांस छांस डंडे शंडे उठाए हुए हैं भाई, कि कहीं लड़ाई का तो नहीं है, प्लान तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हो रही है जी सीढ़ी तैयार, तो हम लोग दूसरी ईंटों की सीढ़ी बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं बांसों की सीढ़ी। तो तारिक साहब जो है ना वो इसकी तैयारी कर रहे थे, तो ये हम लोग क्यों बना रहे हैं, वो तो सरप्राइज़ कौन सा है तो वो आपके चल आपके साथ चल के जो है शेयर करते हैं। फिलहाल फजर बेटी जो है वो कर रही है अपना होमवर्क, तो यहाँ पे हम आपके साथ फाइनली सरप्राइज़ जो है ना जल्दी से दिखा ही देते हैं, क्योंकि ऐसे ज़्यादा जो है ना वो नहीं करते। सरप्राइज़ है जी ये वाला डिज़ाइन हमारे बरामदे के आगे जो है बना हुआ, बरामदे के आगे नहीं बरामदे के ऊपर है। तो माशाल्लाह से बरामदा तो हमारा जो है वो कल ही तैयार हो गया था मुकम्मल, और शाम को जो है सेकंड टाइम इसके जो है ना ये हमने ऊपर बनवाए थे डिज़ाइन, तो उस टाइम काफ़ी टाइम हो गया था इसलिए फिर हमने इसको जो है स्किप कर दिया, आप सबके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी और मिस्त्री भाई लेट तक काम करते रहे थे। तो नीचे बरामदे का जो सारा डिज़ाइन है वो तो तैयार हो गया, तो वो आप सबके साथ शेयर कर दिया था। तो काफ़ी बहन भाई जो हैं वो ये कह रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये वाला जो आपका डिज़ाइन है ये अच्छा नहीं है, आपने इसको कमरे से बहुत नीचे रख दिया है। लेकिन वो पहले वाला डिज़ाइन जो था ना बांसों का, वो मेरा था और ये था तारिक साहब का आइडिया। तो तारिक साहब के जो भी आइडिया होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अभी उम्मीद है कि आप सबको भी ये डिज़ाइन पसंद आएगा। तो अब देखिए रूम जो है कमरा हमारा पीछे से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, बस डिज़ाइन नज़र आ रहा है।
तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो बन चुका है, और इसमें बस ये जो एक एक ईंट लगाई हुई है वो निकाल देंगे और तीन तीन जो है वो खड़ी रहेंगी। आज मिस्त्री भाई जो है वो नहीं आए, वैसे उन्होंने हमसे वादा किया था कि आज हम लोग सेकंड टाइम आएंगे, फर्स्ट टाइम नहीं आए आएंगे, लेकिन वो सेकंड टाइम भी नहीं आए क्योंकि और भी मज़ीद काम करने वाला था। एक तो हमने इसकी लिपाई करनी है डिज़ाइन की, और दूसरे नंबर पर छत की जो काम है ना करने वाला लिपाई का, वो फिलहाल रहता है। दूर से तो व्यू दिखाते हैं इसका पहले, बाकी जो है आप सबको दूर से इसका व्यू दिखाती हूँ और फिर आप सबने राय देनी है कि ये कैसा लग रहा है। तो माशाल्लाह हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है, उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आएगा। अब चेक करें और कमरा जो है ना अभी नज़र नहीं आ रहा, तो हमने बस इस सोच पे जो है इस बरामदे को थोड़ा सा नीचे रखा है। बाकी मिस्त्री भाई ने बोला है कि ये पानी का भी मसला था कि अगर आप इसको ज़्यादा ऊंचा रखते हैं तो डायरेक्ट पानी फिर भी बारिश का अंदर ही जाएगा, तो फिर आपको बरामदा बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस वजह से फिर हमने बरामदा थोड़ा सा नीचे रख दिया और ऊपर डिज़ाइन बनाया। तो अभी चल के बाहर से आपको दिखाते हैं, बाहर से नज़र आएगा तारिक साहब। हाँ जी, तारिक साहब जानो वो देखते भी रहते हैं और जुगाड़ भी लगाते रहते हैं। अब हम आ चुके हैं जी बाहर, फिलहाल हमारी ईंटें जो है वो कुछ पड़ी हुई हैं। आज सारा दिन ट्यूबवेल चलता रहा है और इनकी तराई होती रही है, क्योंकि ईंटों की जितनी ज़्यादा तराई हो जाएगी वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आज ही हमने सब्ज़ी को पानी जो है वो फिर से लगा दिया था, और माशाल्लाह अब ये दिन ब दिन ग्रोथ कर रही है और गोडी भी इसकी मुकम्मल हो चुकी है। बस दो नालियाँ जो है वो गोडी करने वाली रहती हैं, और अभी मिर्चों के फूल जो हैं वो भी बड़ा होने शुरू हो चुके हैं, और माशाल्लाह इन पे फल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जो है ना देखिए माशाल्लाह काफ़ी फल जो है इस पे लग चुका है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल ख़ुद ही इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि एक दफ़ा सारे पे फल लग जाए तो एक ही दफ़ा में इसके हार्वेस्टिंग करेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा तोड़ने से बेहतर है। एक ही दफ़ा तोड़ के फिर हम इसको भेजेंगे मंडी, क्योंकि ये थोड़ी नहीं है माशाल्लाह काफ़ी सारी हैं, 10-12 नालियाँ बनती हैं। तो 10-12 नालियाँ जो हैं वो हम फिर घर में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो पहले तो हम इनको भेजेंगे मंडी और बाकी एंड पे जाके इनको ना खुश्क करके, जैसे सुरख मिर्ची होती है ना वो अपनी घर की देसी मिर्ची तैयार करेंगे। बाकी जी यहाँ से अभी चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है हमारे बरामदे का। आप चेक करें, अब हमारी कोठी लग रही है ना तारिक साहब। हाँ। कोठी लग रही है। तो अभी फ़िलहाल हमने इसकी करनी है लिपाई, और मुकम्मल जब इसकी लिपाई होगी ना तो उसके बाद चेक कीजिएगा कितना खूबसूरत इसका व्यू आता है। बाकी फ़िलहाल हमारी कुछ ईंटें जो है वो पड़ी हुई हैं, क्योंकि हमने अब किचन का भी काम करना है इंशाल्लाह। तो किचन जो है वो भी आप सबकी फरमाइश पर ही बनेगा। मैंने तो बस बाय द वे वैसे ही कह दिया था कि हम लोग इधर बरामदे में कुकिंग करेंगे, लेकिन सभी ने कहा कि आप उस रूम के आगे बिल्कुल भी कुकिंग ना करें, किचन अलग होना चाहिए, तो इसलिए इंशाल्लाह किचन हम लोग अलग ही बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये वाली हौजी काफ़ी छोटी थी, तो जब इसमें पानी आता था ना तो वह सारा बाहर निकल जाता था। तारिक साहब ने कल ये वाला भी बहुत ही अच्छा काम करवा दिया कि ये हौजी जो है ना थोड़ी बड़ी कर दी है, तो आज सारा दिन चलता रहा तो बाहर से पानी नहीं निकला, इसलिए जगह खुश्क पड़ी। तो आज जो है एक तो मैं ऊंचा बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, और दूसरे नंबर पे मैं माइक के साथ साथ हूँ, मोबाइल के साथ साथ हूँ, क्योंकि हमारा माइक जो है ना वो हो चुका है ख़राब। तो इंशाल्लाह अभी तारिक साहब जो है वो कल जाएँगे लाहौर, एक दो उन्हें और भी काम है, और मैंने कहा आप माइक ज़रूर सेट करवा के लाइएगा, क्योंकि इससे मुझे अगर माइक ना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जो मेरे अंदर नहीं है। तो माइक हो तो फिर मैं आराम सुकून से बोलती हूँ और जो है आवाज़ अच्छी चली जाती है। तो फ़िलहाल जी अभी उस साइड पे चलते हैं, तो वहाँ से हमने रखी हुई है अपने बरामदे की साइड पे सीढ़ी की जगह जो फ़िलहाल बना रही है। ओए मिस्त्री रख दे रख दे रख दे रख दे, ये मिस्त्री बड़ा खतरनाक है, इधर लग जाएगी हाथ में, छोड़ दो। तारिक साहब कर रहे थे और हमारे जाने के बाद बस हम दिमाग से भूल गया कि हमने इसको उठाना था, तो ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, कहीं भी लग जाए तो फिर वो ख़तरे वाली बात है। तो आज जी हम लोग फाइनली चलते हैं इस साइड पे। तो इस साइड पे हमने बनवाए हैं दो पिलर, वैसे तो चारों साइडों से पिलर है, लेकिन वो वाले जो पिलर हमने बनवाए हैं ना वहाँ पर हमारी लगेगी सीढ़ी। फ़िलहाल सीढ़ी तारिक साहब बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना सीढ़ी हम लोग यहाँ पर लगाएँगे, और साथ में ऊपर का व्यू जो है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे, और ऊपर बैठ के अच्छी अच्छी कुकिंग किया करेंगे। अभी देखते हैं कि वो दिन कब आएंगे कि यहाँ से चढ़ना है हमने सीढ़ी और फिर ऊपर जाके जो है ना कुकिंग करनी है। तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, अगर इंसान जो है वो ठान ले कि मैंने ये काम करना है तो वो
जरूर कर लेते हैं। तो आप सब ने बताना है अभी फाइनली, तो फाइनली अभी आप सब ने बताना है, रात को हम रिजल्ट देखेंगे कि हमारा जो ये पर्चा है ना, जो हमने दी है पर्चा, पेपर कहते हैं तो हम लोग पंजाबी में उसको पर्चा, भाई आज मैं पर्चा दे के आए, तो ये तारिक साहब ने एक पर्चा दिया है और आपने इसका रिजल्ट निकालना है, तो उम्मीद है कि आपने ना 100 में से 100 नंबर दे देने हैं तारिक साहब को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। मजबूत भी है ये चीज़। तो और ये मजबूत भी काफ़ी हो गया, अभी बन मुक्का नहीं है, अजय बन मुक्या नहीं थे मैंने पहले ही चीज़ें लटकानी शुरू कर दी, इधर पंखा लटका दिया है, उधर फूल लटका दिया है, तो बस ऐसे चीज़ें, तो इंशाल्लाह हम इसको बहुत ही साफ रखेंगे। फिलहाल इसका बहुत सारा काम होने वाला बाकी रहता है, ये जो पिलर बनवाया ना इसकी भी हम ना ऊपर से लिपाई करवा देंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल मुकम्मल ऐसे मट्टी वाली हो कलर, जिसकी खुशबू आए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब पानी का छट्टा लगाया जाता है तो बहुत जबरदस्त खुशबू आती है। चलो अभी आप अपना काम करो, मैं सीढ़ी बनाऊं फिर पानी लगाना है ऊपर। वो कह रहा है मामा अगर आपने मुझे रोका ना तो मैं इस रस्सी से बांध दूंगा आप लोगों को, रस्सी बहुत बड़ी है जिससे वो मुझे बांध देगा। चले कह रहा अभी मेरे बर्तन जो है वो पड़े हैं धोने वाले, मैं बर्तन धोती हूँ और तारिक साहब जो है ना वो अपनी सीढ़ी जो है वो बनाते हैं और फिर हम चलेंगे ऊपर, आज ऊपर का व्यू शेयर करेंगे, भी आज हमारी भी कोठी बन गई, फिर हमने भी आज जो है ना ऊपर का विजिट भी आपको करवाना है घर के ऊपर से। तो फिलहाल जी यहाँ पे बन रही है सीढ़ी, ये वाले जो दो डंडे हैं ना, दो बांस है, ये मेन है और ये छोटे छोटे जो है ना तारिक साहब इसमें ये वाले डंडे काट रहे हैं जो इसके दरमियान में लगेंगे, और बच्चे जो हैं वो तारिक साहब की मदद करवा रहे हैं। तो ये सीढ़ी हमारी होगी सेम ऐसे जैसे ये वाली सीढ़ी खड़ी है, जैसे इसके वो डंडे लगे हुए हैं ना, लेकिन ये बेचारे जो है ये बिल्कुल इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, उम्र सीधा हो गई है ये, तो ये इसको हमने बांधा हुआ था ये रस्सियों वगैरह के साथ, तो अभी इसलिए हमने सोचा नहीं बनाए। तो यहाँ पे जी सीढ़ी हमारी जो है वो तकरीबन बन के तैयार हो चुकी थी, लेकिन एक मसला बन गया। तो मसला जो है ना वो ये बना है, तारिक साहब ने अभी ये सारे डंडे जो है ना वो भी काट के लगा लिए थे, लेकिन यहाँ पे जो कील है ना ये हमारे निकले हैं छोटे, तो ये तारिक साहब लेकर आए थे, क्या इसको बोलते हैं वार्शल और साथ में कील, तो ये इसके हिसाब से काफ़ी छोटे निकले हैं, इसलिए फ़िलहाल हमने इसको रख दिया, ये इस पे लगाने वाली है। थोड़ा सा रहता है, चलो चलो जल्दी जल्दी ख़त्म करो और फिर फ्रेश हो। हाँ चलो जल्दी करो, शाबाश। तो इसलिए हमारी सीढ़ी जो है वो आज रहेगी इंशाल्लाह, कील जो है वो तारिक साहब कल लेकर जाएंगे, आज शाम को ही लेकर जाएंगे इनको ना, तो कील चेंज करवाएंगे, थोड़े बड़े लेंगे और फिर जाके हमारा ये जो है ना सीढ़ी तैयार होगी। फिलहाल इसको जो इसलिए मैंने कहा था कि ये उम्र रसीदा होगी, तारिक साहब इसी पर चढ़े हैं और इसी पर चढ़ के अब वो लगा रहे हैं वहाँ पे पानी। मैं आ सकती हूँ वैसे इधर से, उधर जा सकती हूँ? अच्छा ये डिज़ाइन उस साइड पे तो नहीं बना हुआ, तो फिर हम वहाँ पे कैसे बैठेंगे उस साइड पे? नहीं इधर से व्यू अगर लें तो फिर मेन रास्ता तो इस साइड से आता है ना, इधर से हम छोटी-छोटी दीवार बना लेते हैं। ये बना लेनी थी ना आपने कल ही, मिस्त्री अब भाग गए तो फिर मुझे लगता है कि वो भाग गए, तो ये ना ये मेरे ख्याल में वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो कल बोल रहे थे कि ये ना इसको अभी कल ही सीमेंट लगाया तो ये थोड़ा सा ना अच्छा हो जाए, तो फिर यानी कि एक दो दिन आप इस पे पानी लगाएं। ऊपर चढ़ सकते हैं? चलें अब मैं कोशिश करती हूँ कहीं ऐसा ना कि इस बेचारे की हाँ फाँ लग जाए। अल्लाह अकबर। मैं आऊं? डर लगता पे। चले जी तो यहाँ पे अब मैं आ चुकी हूँ छत पे, तो इस साइड से तो नहीं बना हुआ, छत का व्यू फिलहाल इस तरह से, इसकी लिपाई जो है वो नहीं हो गई अभी, ठीक होगी। हाँ जी क्योंकि इसका वो क्या इसको बोलते हैं तारिक साहब लेवल, यानी कि जो होना है ना वो परनाला लगेगा जिसका पानी जो है वो इस साइड पे आएगा, वो फिलहाल नहीं लगा, वो उस टाइम होना जब प्लाट में जाए रास्ते, अगर इधर गया ना तो फिर सारा सीन खराब हो जाना है, गिर जाओगी। चलो चढ़ के आओ ना, आराम से आना। तो तारिक साहब जो है उन्होंने यहाँ पे सारा पानी लगा लिया और फिलहाल ये जो है ना
ऐसे ही पड़ा है, अब इसकी होगी इंशाल्लाह कल लिपाई। तारिक साहब आज आपने उनको फ़ोन कर देना, अगर आज वो गारा बनाते तो कल गारा बना के जाते तो आज ये लिपाई हम खुद भी कर सकते थे फिर, लेकिन ये पहली लिपाई है ना, ये उन्हें ही करनी पड़ेगी। लेवल सेटिंग करते हैं तो लाइट जो है वो एक हमने उतार के नीचे कर लिया, एक उधर ही खड़ी हुई है। एक रात को तारिक साहब ने ना नीचे किए, क्योंकि ये वाली हमने जलाई तो बिल्कुल इसकी नहीं थी, वो कैन भी नीचे उठा के फेंक दे, रोशनी नहीं थी, फिर हमने यहाँ से लाइट नीचे शिफ्ट की है। बहुत ही प्यारा व्यू है, चले मैं दिखा देती हूँ। छत सोहनी लगती पई, हाँ जी छत माशाल्लाह बहुत प्यारी है। ना भाई ना, मैं कह रहा हूँ गिर गई तो फिर नहीं आया, नहीं डांडे इधर से रास्ता ये है थोड़ा सा अजीब सा। तारिक साहब तो चले गए, वो थोड़े कमजोर से हैं, मैं हेल्दी बंदा हूँ, कहीं ऐसा हो कि अपनी टांग बाज तुलवा कर बैठी हूँ, फिर कह करनी नहीं मेरी। उन्होंने बोला था दो तीन दफ़ा पानी लगाना है, हमने एक दफ़ा भी नहीं लगाया, अभी हम लोग ना इसमें पानी लगा रहे हैं तो पानी जैसे डालते हैं ना वो फौरन पी जाते। अम्मी हमारा घर है ये, कितना खूबसूरत है, है ना। तो माशाल्लाह जी इस साइड से व्यू चेक करें कितना खूबसूरत आ रहा है ना, और इस साइड पे हो रहा है जी स्प्रे। अच्छा यहाँ पे काश्त की हुई है मूंग की, क्योंकि जब मैं कल गई थी मूंगी की दाल जिसको बोलते हैं ना, वो सब्ज़ दाल इधर होती है, फिर उसको ऊपर से छिलका उतार के फिर वो साफ करके भेजा जाता है अभी हमारे पास तो। लेकिन यहाँ पे जो है जब ये बड़ी होगी तो इंशाल्लाह वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल मैं ना यहाँ पे लगा रही हूँ पानी, कुछ तारिक साहब ने लगाया है कुछ मैंने, अभी ये थोड़े बहुत अच्छे नहीं लग रहे लेकिन जब लिपाई होंगे बहुत प्यारे लगेंगे ये। हाँ जी बहुत प्यारे लगेंगे, बस मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश थी कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता कि बंदा यहाँ पे बैठा हुआ नजर ना आए, लेकिन तारिक साहब कहते हैं ये इतना ही होगा। चलो ठीक होगी, चले मोहम्मद सुबान बोल रहे कि मैंने लगाना इधर नहीं पानी डालना ना, अभी फिलहाल इसकी लिपाई होने वाली है छत की। तो माशाल्लाह जी छत इतनी मजबूत है कि अभी फिलहाल इसकी लिपाई नहीं हुई, बस इस पे हमने वो पहले डाले हैं बांस, वो भी बड़े बड़े इतने अच्छे मोटे मोटे वाले ना, गटर भी डाले थे साथ में हमने बांस डाली है, और साथ में हमने वो ऊपर पत्तल डाली है, डबल पत्तल डाली है, और फिर ऊपर जो है शॉपर डाल के उसके ऊपर ये वाली मिट्टी डाल दी है। हाँ जी, और ये वाला जो है ये भी हमने ऐसे ही किया था, वो बर्शी काफ़ी आएंगे माशाल्लाह से, कोई पानी नीचे नहीं गया। तो बस बस लंटर नहीं है कच्ची छाते की दिन दे दो। चलिए जी, तो पानी जो है वो हमने लगा दिया, पानी हमारा हो भी खत्म चुका है, बस थोड़ा सा बाकी रह गया। और इस साइड पे अभी चेक करें माशाल्लाह व्यू, इस साइड पे जानवर चल रहे हैं और इस साइड पे दरिया जो है ना, दरिया का व्यू, इधर दरिया भी नजर आएगा ना तारिक साहब। हाँ, लेकिन जब यहाँ पे हो जाएगा गन्ने का खेत तो फिर नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस साइड पे गन्ने का खेत हो जानी है सारे ना, इधर भी हो जाएगा उधर भी हो जाएगा, इधर भी सारे ये गन्ने के खेत हो जाएंगे और बस बीच में हमारा घर होगा। जैसे ही साइड पे ये सारा गन्ना है ना तो इधर भी सारा गन्ना ही लग जाएगा, तो बस फिर हरियाली होगी और घर होगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा बेटी इधर आ जाओ, आज चले आज नीचे, तो अभी हम लोग चलते हैं। फिलहाल जो छत है ना इसकी लिपाई होने वाली है, इससे पहले लिपाई होने से पहले हम इसको पहले ही ख़राब कर दें। अभी हम लोग नीचे चलते हैं और अपने खाने पानी का कुछ इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि शाम होने वाली है, हमसाया दी कुन्नी चढ़ी खलोती है दे उत्ते हांडी, यानी कि उन्हें चढ़ा दी है चूल्हे पे। आज आज भूपा वो लड़ाई कर रहे हैं, तारिक साहब आपके तिल खराब कर रहे हैं इधर चेक कर। अभी इन्होंने ऐसे हो के आना ना मट्टी से, जैक 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 जैक, अभी मट्टी मट्टी होके आ रहे हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे अभी हमारी हो रही है कुकिंग, तो आज हम लोग ना बना रहे हैं चावल। आप लोग कह रहे थे कि इधर प्लेटें भर भर के माँ के घर खा रही है चावलों की और अपने घर बनाते नहीं, तो इसलिए मैंने कहा आज हम चावल बना लेते हैं। आज हम लोग पुलाव बना रहे हैं, फजल और मोहम्मद सुबान जो है वो दोनों, उनको मैंने बोला आप टमाटर तोड़ के लेकर आओ, सारे तोड़ लिए, जितने भी सुरख हो गए ना वो सारे तोड़ लो। मम्मा जी सेब वाले, हाँ जी सुरख सुरख टोकरी में तोड़ के दो,
तोड़ना है। नहीं नहीं ये नहीं, ये कच्चा नहीं तोड़ो, कच्चा नहीं तोड़ना। मोहम्मद सुभान आपने कितनी गलती की है ना, ये रेड रेड तोड़ो, इसलिए मैंने फजर आपी को बोला था कि वो तोड़े। आपने बस टोकरी पकड़नी है। चलो बस करो बस। नहीं नहीं मैं धोलूं, अभी आपने कपड़े खराब कर दिए। नहीं माशाल्लाह हमारे फ्रेश टमाटर आ गए हैं छोटे छोटे, ये देखो देख लिए हैं सब। क्या करोगे? रेड कलर का खाता है। अच्छा रेड कलर का खाऊंगा मैं। ये रेड कलर का खाना। अच्छा चलें जी, तो यहाँ पे चावल जो है ना उनकी तैयारी हो चुकी है, और इधर हमारी सब्जी जो है ना उसकी भून भून आई शुमाई जो है वो हो गई है, और मैंने इसमें टमाटर जो है वो ऐसे ही डाल दी थी क्योंकि उनको छोटे छोटे थे, मैंने इनको काटा नहीं है, अभी ऐसे इसमें ना गल जाएंगे। और इस साइड पे चल रही है रोटियों की तैयारी, तंदूरी रोटी और साथ में कद्दू शरीफ का सालन, ये बनाया है हमारे गवाड़ियों ने, और हमने बनाया है जी पुलाव। तो कल हमने बनाए थे कद्दू, उन्होंने बनाया पुलाव, तो यानी कि हमने कहा डिफरेंट डिफरेंट हो गया था। आज हमारा जो है ना ये पुलाव बन रहे, तो आज हम ही रोटियां लगा लें। तो बाकी चावल जो है तैयार हो गए, और फिर उसके बाद हम लोग खा लेंगे, जारी बात है। और इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह भी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। ये इसने उधर अंडे दिए हुए हैं ना कमरे में, इसलिए यहाँ पर बैठी रहती है मैं ना, तो ये रात को अंदर चली जाएगी किचन में।